मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में रविवार को आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिसके कारण जहां जिले में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में लगी सात में से छह सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर महाकाल भक्तों में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। महाकाल लोक में बवंडर ने बरपाया कहर, आंधी तूफान से सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त, भक्तों का फूटा गुस्सा, गुणवत्ता पर उठाए सवाल, पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जी हां, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रविवार को तेज हवाओं ने ऐसा बवंडर मचाया कि महाकाल लोक भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। महाकाल लोक बने अभी एक साल भी नहीं हुआ और उसके पहले ही महाकाल लोक निर्माण की गुणवत्ता की पोल उस समय खुल गई जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं महाकाल लोक कॉरिडोर पर लगे सप्तऋषियों की सात मूर्तियों में से छह में से एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगी, जिससे किसी मूर्ति के हाथ तो किसी की गर्दन टूट गई। 351 करोड़ की लागत से बने महाकाल लोक की थोड़ी सी हवा और बारिश ने इसकी गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी, जिससे अब महाकाल के भक्तों में कांग्रेस सहित कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर जहां महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी महाकाल भक्तों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। महाकाल लोक में हवा के तेज बवंडर के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गनीमत तो यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो वहीं महाकाल लोक में मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने पर कलेक्टर अधिकारियों के साथ पहुंचे और जल्द ही व्यवस्था ठीक करने की बात भी कही। 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और जिले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आप देखे, आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं FRP की है, ये सबको मालूम है, और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे। और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफ़ी समय लगता है। तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएँ हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए। वहीं उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि महाकाल लोक के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाकाल लोक में जिसने भी भ्रष्टाचार किया, भगवान उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा था, पता पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर मूर्ति टूटी हुई पड़ी है। मैं तुरंत यहाँ पर आया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, रवि भदौरिया मेरा नाम है। यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा यहाँ छः मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। एक साल नहीं हुआ है इन मूर्तियों को लगाए, और एक साल के बाद आज हल्के से आंधी और तूफान में मूर्तियाँ नीचे पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से इन मूर्तियों को लगाया गया। कहीं अगर बड़ा तूफान, आंधी तूफान आ जाता तो मेरे को लग रहा है पूरा ही साफ हो जाता, ये दिखता ही नहीं। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। 800-850 करोड़ रुपए जो इसमें लगाए हैं, इन लोगों ने 500-700 करोड़ तो खाई गए हैं। कितनी मूर्ति में नुकसान हुआ है, बाहर लोगों को भी रोका जा रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए, ये मूर्ति ये पड़ी हुई है, छह मूर्तियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे छह मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो भी इसमें धातु की मूर्ति है ये। और इसकी करोड़ों रुपए, इस मूर्ति के नाम से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आपको भी रोका गया बाहर, जनता को? बिल्कुल, अरे जनता को तो रोक ही दिया। वो तो मैं चूंकि शहर कांग्रेस का अध्यक्ष, मैंने बोला मुझे जाना है अंदर, देखना है मुझे, तो मुझे अंदर आने गया। आप देख रहे हो पूरा प्राइमिसेस खाली है, कोई जनता है यहाँ पर? अरे विरोध प्रदर्शन नहीं, इसके लिए तो आंदोलन करेंगे कि महाकाल लोक, मतलब आओ महाकाल के नाम से ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार थोड़ी होने देगी कांग्रेस पार्टी। ये देखिए क्रेंग लगी हुई है, मूर्ति उठाई जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिनको ठेका दिया गया इन सब कामों का, ये सब मिले हुए हैं, ये सब दोषी हैं इसमें।
और मैं कह रहा हूँ कि बाबा महाकाल इनको बख्शेगा नहीं, निश्चित रूप से जिन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है वो यहाँ पे भी देखेंगे और जेल भी जाएंगे। वित्त मंत्री जी, तो मुझसे मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी, आप पिछले लगभग 2.5 वर्ष से यहाँ के प्रभारी मंत्री जी हैं, एक बैठक नहीं ले पाए आपके अंदरूनी कलह के कारण, बड़े शर्म और धिक्कार की बात है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को कि खुले मंच पर आकर हम लोगों से डिबेट कर ले, बात कर ले, उज्जैन की जनता से कर ले, मुझसे तो ठीक, मुझसे तो कर ले, भोली भाली जनता से कर ले, महाकाल के भक्तों से डिबेट कर ले। जब ये पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, ये सिर्फ लोग लूटने में लगे हैं कि कथनी और करनी साफ नजर आ गई है। वो तो अच्छा हुआ भगवान महाकाल की कृपा से कि वहाँ कोई श्रद्धालु थे, जब ये घटनाक्रम हुआ थोड़ी सी हवा चलने से इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो निश्चित से कोई जनहानि हो जाती है, अभी इन लोगों को गंभीरता से कौन लेता है। आंधी और तूफान के चलते ही महाकाल लोक में हुए नुकसान पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है। गृह मंत्री ने कहा कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, पर इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वह गारंटी पीरियड में है, पीरियड में होने के कारण वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना कर देगा। अब कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है, आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर के किसी अस्पताल में, किसी राहत सेवर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी देखे होंगे, दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं, और तो और ऊपर बल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। और इसलिए आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा, और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा, सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का, 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है वो। फिलहाल विधानसभा चुनाव के पहले महाकाल लोक में मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के बाद कांग्रेस को भाजपा सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।